नमस्कार, स्वागत है आपका हाजीपुर न्यूज टुडे में। और इस वक्त हूँ राजेंद्र चौक पे और तस्वीर दिखाने आया हूँ कि पानी से यहाँ का क्या हाल है। तो चारों तरफ आप देखिए कि यहाँ पे पानी ही पानी, बीच चौराहे पे खड़े हैं और यहाँ पे आपको पूरा पानी ही पानी मिलेगा। चारों तरफ महिलाएं आ रही है, सभी लोग आ रहे हैं देखिए, लेकिन चारों तरफ आपको पानी मिलेगा। ये आप राजेंद्र चौक से यादव चौक की ओर चले जाएं तो आपको पूरा का पूरा पानी मिलेगा। राजेंद्र चौक से यादव चौक की तरफ तो किस तरह पानी भरा हुआ है वो आप देख सकते हैं। और इधर सुभाष चौक जाने वाली जो सड़क है, सुभाष चौक अगर जाना चाहते हैं तो देखिए पूरा पानी भरा हुआ है, यानी चारों तरफ पानी है, कहीं बचा हुआ नहीं है। थोड़ा सा पानी कमा है क्योंकि एक आध घंटे से बारिश बंद है तो पानी कमा हुआ है, लेकिन पूरा नजारा जो है इस चौक का, राजेंद्र चौक जो शहर का नाक है, हाजीपुर का नाक कहे जाने वाला इस चौक है, और इस चौक का ये हाल है, नजारा है। और इधर के आगे आप श्रीयंत्र मंदिर देख सकते हैं कि हम लोग हैं खड़े, तो श्रीयंत्र मंदिर की तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं कि श्रीयंत्र मंदिर, और यहाँ पे देखिए क्या है नजारा। बच्चे आ रहे हैं, स्कूल की छुट्टी भी हो गई है, लेकिन जो आज जूता पहने हुए हैं, लेकिन बारिश में इनको जूता भिगाकर ही घर जाना पड़ेगा। तो ये स्थिति है, पूरा शहर पूरा पानी पानी हो चुका है, पूरा डूबा हुआ है और कई दुकानों में पानी घुसा हुआ है। तो जो दुकान है, कई दुकान सब है, उन सभी दुकानों में पानी घुसा हुआ है। तो ये स्थिति है, किस कदर से गाड़ी को चलाना पड़ता है, और ये स्थिति है। देखिए पैर को, छात्र जो है पैर को डुबा कर जा रहे हैं क्योंकि मजबूरी है, क्या करेंगे, चौक पे पानी भरा हुआ है। तो ये स्थिति है। और इधर चलते हैं आगे थोड़ा सा, राजेंद्र चौक और श्रीयंत्र मंदिर की तस्वीर देखिए। श्रीयंत्र मंदिर और जो कचहरी रोड जाने वाला सड़क है, कचहरी रोड, उसका भी आपको हाल दिखाई देते हैं कि जब हम आए हैं और बात हो रही है हाजीपुर की, तो ये देख ले, हाजीपुर के विधायक को भी इस चीज को देखना चाहिए, और सांसद महोदय जी आप आ रहे हैं तो आपको भी ये तस्वीर आपको जरूर देखना चाहिए कि हाजीपुर का क्या हाल है। और ये देखिए पूरा पानी में डूबा हुआ है, बस हाजीपुर की, हाजीपुर से हम लड़ेंगे, हाजीपुर हमारा है, हमारा हक है, तो हम लड़ेंगे कि बात तो हम करेंगे कि हाजीपुर हमारा है, लेकिन हाजीपुर की ये जो स्थिति है इसको कौन सुधारेगा, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। सिर्फ हाजीपुर की जिम्मेवारी लेने से नहीं होता है, हाजीपुर का ये स्थिति जो आज चौक चौराहे का है। इधर देखिए गुदरी रोड है, और गुदरी रोड का क्या हाल है वो आप देख सकते हैं कि पूरा पानी भरा हुआ है गुदरी रोड में, कचहरी रोड में, ये कचहरी रोड है। जब यहाँ इतना पानी है, जब मेन चौराहा है राजेंद्र चौक और यहाँ इतना पानी है, तो समझ सकते हैं आगे तो और डाउन है। जब गांधी चौक की तरफ जाएंगे तो वहाँ तो और डाउन है, और पूरा पानी लगा हुआ है, यहाँ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो समझ सकते हैं रिक्शा वाले भी खड़े हैं, कोई ऑप्शन नहीं है, कस्टमर कहाँ से आएगा क्योंकि आज बारिश है, लोग चढ़ेंगे नहीं। लेकिन देखिए महिला लोग भी है जो डाक निकल रही है से, लेकिन डाकघर में पानी लगा और पूरा पानियों के बीच से ये लोग निकल रहे हैं क्योंकि जाना, घर जाना मजबूरी है, आ रहे हैं। देखिए पूरा पानी भरा हुआ है, इधर डाकघर में पूरा पानी भरा हुआ है, उधर भी पानी, इधर भी पानी, दोनों तरफ पानी ही पानी, यानी बारिश के बाद का जो नज़ारा है वो पूरा पानी ही पानी हो गया है शहर का। और इधर लोग फल बेच रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, और पानी में खड़े होकर फल सब्जी बेच रहे हैं, पूरा पानी लगा हुआ है यहाँ पे, पूरा स्थिति खराब है, और लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, एक मिनट रुक जाएंगे थोड़ा सा। क्या हाल है हाजीपुर शहर का, क्या हाल, हाजीपुर शहर का हालत पूरा खस्ता हो, सभी जगह पानी लगा हुआ है, सभी जगह पानी लगा हुआ है। चले जाइए उधर, चले जाइए नवीन सिनेमा रोड, उधर उधर चले जाइए डाक बंगला रोड, उधर भी लगा हुआ है, तो चारों तरफ पानी ही पानी है। और कहीं से घूम के आ रहे हैं कि रोड पूरा एक हो, कहीं कोई भी गिर सकता है, कहीं भी गिर सकता। तो बाइक से चल रहे, डर नहीं लग रहा है, डर लग रहा है, देख रहे हैं कपड़ा उठाए हुए ऊपर तो डर लग रहा है, लेकिन चलना मजबूरी है, आना जाना मजबूरी है। क्या दिक्कत है बताइए, पूरा हाजीपुर का हाल बहुत बेहाल है जी। कहाँ से आ रहे हैं, चारों जगह पूरा पानी से, कहाँ से रहे हैं, पूरा हाजीपुर घूमे हैं तो बहुत खतरनाक लग रहा है, पूरा हाजीपुर ही खतरनाक लग रहा है, बात सही है, पूरा डूबा हुआ है, जब पूरा क्षेत्र डूबा हुआ है, पैदल है, कहाँ से आ रहे हैं, लालपुर से, कहाँ जा रहे हैं, पूरा पानी में डूबे हुआ, पूरा नड़के, पूरा नड़की स्थिति है,
तो किसको दोष देंगे, किसकी गलती, किसके दोष है ये? दोष प्रशासन के और कर होते नगर पालिका, नगर प्रशासन का या नेताओं को भी कहेंगे? नेता के भी कभी कीजिएगा ना। हाँ, नाला बन गया, सब नाला साफ हो गया, नाला बन गया, साफ हो गया। तो समझ सकते हैं स्थिति कि नरकीय स्थिति, लोग बता रहे कि नरकीय स्थिति। यहाँ भी अपना काम कर रहे हैं, ड्यूटी में है, लेकिन पैंट जो है फुल हाफ, फुल पैंट को हाफ पैंट बना के ड्यूटी कर रहे हैं। काम करना है, ड्यूटी में रहना है, तो समझ सकते। यहाँ दुकानदार है और ये देखिए दुकानदारों का हाल क्या है। सब लोग चौकी पर, किसी का पैर नीचे नहीं है। और ये लोग जो काम कर रहे हैं, और ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि पूरा जो ये एरिया है, ये क्षेत्र है, पूरा पानी में डूबा हुआ। ये लोग काम कर रहे हैं। पानी अभी बढ़ा है कि कमा है? पानी बढ़ रहा है कि घट और बढ़ रहा है? तो काम पानी कुछ लोग कर रहे कमा है। हाजीपुर का ऐसा स्थिति है, किसको कहेंगे अब? किसको कहिएगा? हाजीपुर का नगर पालिका है, नगर पालिका है, कहिएगा किसको कहिएगा? नगर पालिका की गलती है, किसका गलती है? नाला साफ नहीं हुआ, जैसे का तैसे है। तो वो लोग कह रहे कि नाला साफ नहीं हुआ है, और नाला साफ नहीं होने की वजह से पानी निकल नहीं पा रहा है, और पानी नहीं निकल रह पा रहा है, इसके कारण ये हाल हो चुका है। तस्वीर आप देख सकते हैं।